हाय दोस्तों, मैं हूं ताहिर। मैं आज आपको ये टाटा गाड़ी है के टीसी, तो ये आज खुली हुई है पूरी, तो मैं आपको इसके सारे सामान दिखाता हूं और बताता हूं कि कौन सा पार्ट्स इसका क्या काम करता है, क्या फंक्शन से व्हील ब्रेक लगते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है, रिटर्न पानी कैसे जाता है, और ये जो भी फंक्शन है मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो आप देखिए दोस्तों, तो ये देखिए, सबसे पहले ये होती है, ये पानी का टैंक होता है, तो इसमें पानी की अगर कोई लीकेजिंग हो जाती है तो इस टैंक के द्वारा ये पाइप से इस रेगुलेटर में पानी को सप्लाई देता है दोस्तों। ये देखिए, ये इस तरीके से अगर पानी का लीकेज होता है उस पाइप में या कुछ भी अगर पानी लीकेज होता है तो इस टंकी द्वारा यहाँ से पानी ऑटोमेटिकली इस रेगुलेटर में आ जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये एसी का रेगुलेटर होता है, इसमें आती है टर्बो में जाती है, वो इसी में से होके हवा जाती है टर्बो में। ये टर्बो का रेगुलेटर है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ये टर्बो का रेगुलेटर है, ये वाला पूरा ये टर्बो का रेगुलेटर है, और ये इंजन रेगुलेटर है, इससे इंजन ठंडा रखने के लिए ये रेगुलेटर लगाया जाता है, पानी इसमें सर्कुलेशन होके और वापस इंजन में जाता है, इसमें से होके इंजन में जाता है और इंजन में से गर्म होके फिर वापस रेगुलेटर में आता है, तो ये प्रक्रिया इसमें चलती रहती है और इस तरीके से इंजन का टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और अब इस प्रकार से और देखते हैं दोस्तों, तो ये देखिए, ये होती है इसकी स्ट्रिंग दोस्तों, तो ये स्ट्रिंग यहीं से ये इससे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ से जब हम इसको घुमाते हैं दोस्तों, तो ये देखिए, ये चौकड़ी मिलती है, तो यहाँ से स्ट्रिंग को घुमाया जाता है और ये इसका पावर स्ट्रिंग होता है दोस्तों, ये पावर स्ट्रिंग ही ये आगे के व्हील को राइट लेफ्ट घुमाता है और इसी से गाड़ी पूरी घूमती है आगे पीछे, पूरी कटिंग इसी से होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये स्ट्रिंग में इस तरीके से ये एक रोड लगी होती है और ये रोड यहाँ पे आती है दोस्तों, और यहाँ से ही ये व्हील के इसमें लगी होती है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये यहाँ से व्हील को घुमाती है। और ये देखिए दोस्तों, ये रेजिट होता है, ये बूस्टर होता है, तो इसमें एयर आती है, इस बूस्टर में एयर आती है, तो एयर आने के बाद ये लीवर आगे पीछे होता है एयर के प्रेशर से, तो जब ये आगे पीछे होता है दोस्तों, तो यहाँ से ये रेजिट चलता है, रेजिट आगे पीछे होता है, तो रेजिट जब आगे पीछे होता है तो दोस्तों यहाँ अंदर जो लाइनर होते हैं, ये रेजिट का कनेक्शन उस लाइनर के इसमें होता है, तो लाइनर ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर नीचे होने से ब्रेक लगते हैं, जब ऊपर होते हैं तो ब्रेक लग जाते हैं, वापस जब ये रिजेट अपनी जगह आ जाता है तो ब्रेक छूट जाते हैं, इस तरह से व्हील फ्री हो जाता है, और जैसे ही ये रिजेट आगे होता है तो ये लाइनर को ऊपर कर देता है, तो इस प्रकार से ये ब्रेक सिस्टम काम करता है दोस्तों। और आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये इसका एयर फिल्टर लगा होता है, यहीं से इंजन में हवा छन के जाती है इस फिल्टर के द्वारा, तो यहाँ से ये नट खोलकर हम इस फिल्टर को चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ये चेंज होता है एयर फिल्टर, तो ये देख रहे हैं, ये जैसे ये एयर फिल्टर बॉक्स है, तो यहाँ से ही एयर सप्लाई होती है छन के इंजन में। ठीक है दोस्तों, अब और आगे मैं बताता हूँ आपको। और ये देखिए दोस्तों, ये होता है इसका एक्सीलेटर पेडल, जो फर्स्ट में होता है, बीच में होता है, ये ब्रेक पेडल होता है, यहाँ से इसके ब्रेक लगाए जाते हैं, और ये होता है दोस्तों क्लच पेडल, इसी से क्लच को ऑपरेट किया जाता है, तो इस तरीके से आप जान चुके होंगे कि ड्राइवर कैसे एक्सीलेटर होता है, ये ब्रेक होता है बीच में, और वो क्लच होता है, तो इस प्रकार से वो सारे अपने पैर से कंट्रोल करता है दोस्तों। और आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका 24 वाल्व का इंजन है क्यूमिंस का, इसमें ये 24 वाल्व का इंजन लगा हुआ है क्यूमिंस का, यहाँ ऊपर इसमें टेपिट होते हैं, ये साइलेंसर होता है, यहीं से कार इसका साइलेंसर में धुआं जाता है, जो
इंजन में बनता है। और उसके बाद ये होस पाइप है। ये होस पाइप दोस्तों टर्बोरेटर में जा रहा है, तो यहाँ से ही हवा टर्बो में आती जाती है, इंजन की आती जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर इसका ये टर्बो लगा होता है दोस्तों। ये टर्बो है इसका, इंजन का टर्बो लगा होता है। ये इंजन का टर्बो है दोस्तों, ये देखिए आप। ये इस प्रकार से ये सभी चीज़ें यहाँ पर फिट होती है। और ये इसका गेल लीवर होता है। ये गेल लीवर है दोस्तों, यहीं से गेयर को डाला जाता है। गाड़ी के एक नंबर, दो नंबर, सभी गेयर यहीं से जाते हैं। और ये गेयर की रोड होती है, इसी से इसके द्वारा ही ये रोड यहाँ पे आ चुकी दोस्ती। अब यहाँ से ही इस लीवर के द्वारा ये सारे गेयर के गेट डलते हैं दोस्तों। ये गेट टापा बोलते हैं इसको, तो इस टापे के द्वारा ही सारे गेयर इस लीवर द्वारा यहाँ से लग जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे गेयर यहाँ से ऑपरेट हो जाते हैं। और ये दोस्तों देखिए आप, ये इसका क्लच सिलेंडर यहाँ लगा होता है। तो इसमें जैसे ही हम क्लच दबाते हैं तो प्रेशर से हाइड्रोलिक आता है, हाइड्रोलिक इसमें आता है। तो ये यहाँ पर ये लीवर, ये आप देख रहे हैं लीवर, ये आगे पीछे होता है। तो इस क्लच दबाने से इंजन फ्री होता है, लोड पे आता है। तो इसी तरह से ये क्लच यहाँ पर काम करता है। ये जो राड है ये आगे पीछे होती है क्लच दबाने पे, तो इससे क्लच प्लेट छूटती है, पकड़ती है, छूटती है, पकड़ती है। तो इस प्रकार से ये क्लच काम करता है दोस्तों। ये क्लच यहाँ पर लगा होता है, ये देख रहे हैं आप, जैसे ये क्लच सिलेंडर लगा हुआ है दोस्तों। और ये देखिए, ये गेयर के साथ यहाँ पे ये शाफ्ट जॉइंट है, इस गेयर के द्वारा ही गाड़ी चलती है। ये शाफ्ट जोड़ कर पूरे स्टोन व्हील को यही शाफ्ट चलाती है, और पीछे की व्हील इसी से घूमने लगते हैं और ताकत करते हैं। ये शाफ्ट लगती है इस गेयर में, ये गेयर घूमता है, गेयर घूमने के बाद फिर इसमें शाफ्ट जोड़ी जाती है, शाफ्ट जोड़ने के बाद ये घूमने लग जाती है दोस्तों। आगे पीछे उल्टी, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जो से भी गेयर लगाते हैं उस हिसाब से ये घूमती है। और ये घूमने के बाद पीछे व्हील में क्रोन पिन लगा होता है, तो उस क्रोन व्हील को ये घुमा देती है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दो टैंक लगे होते हैं एयर के। इसमें गाड़ी में जो सिस्टम होता है एयर प्रेशर बनाने का, वो वहाँ से एयर प्रेशर बना के इन टंकियों में सप्लाई देता है। तो इससे क्या होता है कि इनमें हमेशा स्टॉक रहने के लिए ये टंकी लगाई जाती है, ताकि इसमें एयर प्रेशर हमेशा स्टॉक रहे। जैसे भी 9 bar, 10 bar, 8 bar जैसे भी हम रखते हैं दोस्तों, तो उस हिसाब से इसमें हमेशा इतनी एयर आ जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये वाल जो आप देख रहे हैं, ये इंजन कंट्रोलिंग वाल है। तो इसमें जब सप्लाई आती है इन वायर द्वारा, तो ये फंक्शन काम करता है। और यहाँ से एयर, एक में एयर आती है, और फिर यहाँ से जब ये काम करता है कनेक्ट, तो यहाँ से ये एयर निकल कर इसमें जाती है, और ये इंजन कंट्रोलिंग वाल काम करने लग जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इससे इंजन कंट्रोलिंग होता है। अगर हम स्विच चलाते हैं आगे से, तो ये काम करता है और इंजन को कंट्रोल करता है, इंजन की ताकत को कम कर देता है, ताकि क्या है, कभी इमरजेंसी हमको ब्रेक लगाने की ज़रूरत हो तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। इससे एकदम ये जाम कर देता है गाड़ी को। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बताता हूँ मैं और आपको। अब ये देखो दोस्तों, ये होती है एयर प्रेशर ठीक नहीं, तो इसमें क्या होता है, इसलिए लगा जाता है दोस्तों, जब हम 9 bar या 10 bar एयर फिक्स कर देते हैं कि भाई हमको इससे ज़्यादा एयर नहीं चाहिए, तो ये जब टैंक में इतनी एयर हो जाती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इतनी 9 bar 10 bar जितना भी हम सेट करते हैं,
तो उसके बाद जो भी एयर होती है वो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देता है, ताकि क्या है ज़्यादा प्रेशर गाड़ी में ना बने और उससे हमारी कोई दिक्कत ना हो, पाइपें वगैरह फटने से बच जाती है, ताकि ओवरलोड प्रेशर ना हो। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से एयर को निकालने लग जाता है। जब इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है उसके बाद ये यहाँ से ऑटोमेटिकली एयर को निकालने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है दोस्तों। और ये आप देख रहे हैं स्प्रिंग है, ये कबानी कहते हैं इसको। तो ये कबानी इस प्रकार से यहाँ पर लगी होती है, ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से यहाँ ये से जिलों में ये लगी होती है, इस प्रकार से ये कबानी लगाई जाती है दोस्तों। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा पार्ट्स लगा होता है गाड़ी में, टाटा गाड़ी में, ठीक है दोस्तों। और ये इसका टैंक यूनिट होता है दोस्तों, यहीं से गाड़ी इंजन को डीजल मिलता है। ये टैंक इसमें हम 300 लीटर 400 लीटर जितना भी होता है तो स्टॉक के लिए ये टैंक लगाया जाता है। तो ये यहाँ टैंक इस तरीके से फिट होता है दोस्तों, ये देखिए, ये इसे क्लिप लगाए जाते हैं, इन क्लिपों में ये टाइट हो जाता है टैंक। ये इस प्रकार से 2-3-4 ये से क्लिप लगाए जाते हैं, इस क्लिप से ये इसमें टाइट हो जाता है चेचिस में। और ये देखिए दोस्तों, ये इसकी मेन पाइप है, यहीं से ये तेल लेता है इंजन दोस्तों, ये मेन पाइप है इसकी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये इसका फ्यूल गैस मीटर है, तो यहाँ से ये मीटर में कितना तेल है कितना नहीं है ये इस गैस द्वारा बताता है मीटर। तो ये फ्यूल गैस है दोस्तों, इसी से मीटर में डीजल काटा जो होता है अपना वो इसी से बताता है कितना कम है कितना ज़्यादा है, इसी से ये चीज़ बताई जाती है। और ये इसका रिटर्न पाइप लगाया जाता है दोस्तों, ताकि इंजन को जितनी डीजल की ज़रूरत है वो उतना लेके वापस जब रिटर्न होता है तो इस पाइप द्वारा वापस इसमें रिटर्न आ जाता है। और ये प्रक्रिया चालू रहती है दोस्तों रेगुलर, जब भी इंजन स्टार्ट होता है इसमें रिटर्न आ जाता है, ले लेता है, उसके बाद ये वापस इसमें रिटर्न आता रहता है दोस्तों। और ये मेन पाइप मैंने आपको बता ही दी है, ये मेन पाइप होती है। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये एक सेंटर रबड़ लगता है दोस्तों, तो ये इसलिए लगाया जाता है कि शाफ्ट की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ पर जॉइंट डाल देते हैं और ऐसा एक इसको झूला भी कहते हैं दोस्तों। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसका सेंटर शाफ्ट जोड़ने के लिए यहाँ पर ये ऐसा एक रबड़ लगा देते हैं दोस्तों, जिससे ये यहाँ पर जॉइंट हो जाती है एक शाफ्ट और, तो ये एक शाफ्ट और इसमें जॉइंट कर इसकी लंबाई बढ़ाई जाती है दोस्तों इस प्रकार से। तो ये देखिए, एक शाफ्ट दोस्तों आगे लगी हुई है, फिर यहाँ एक जॉइंट डला हुआ है और यहाँ से दूसरी शाफ्ट जॉइंट हो चुकी है। और दूसरी जॉइंट होने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर एक जॉइंट एक शाफ्ट और लगी हुई दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पर एक सेंटर बेयरिंग एक और लगा हुआ है जिसको झूला कहते हैं। तो इसमें ये शाफ्ट एक और यहाँ से दूसरी जुड़ेगी, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शाफ्ट और इसमें जोड़ दी गई है। ये आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, ये एक शाफ्ट और यहाँ पर जोड़ दी गई है, तो ये तकरीबन 3 शाफ्टें जुड़कर यहाँ तक पहुँचती है दोस्तों, ये देखिए। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये साइलेंसर इस प्रकार से फिट किया जाता है गाड़ी में, ये देखिए साइलेंसर पूरा इस प्रकार से नीचे इसमें फिट होता है, तो ये इस प्रकार से ये साइलेंसर फिट होता है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए आप, ये शाफ्ट यहाँ आकर इस यहाँ पर टाइट हो जाती है दोस्तों, तो ये क्रॉस इसमें टाइट हो जाता है। उसके बाद ये जब घूमती है दोस्तों शाफ्ट गियर द्वारा, तो ये क्रॉनव्हील घूमता है। क्रॉनव्हील घूमने के बाद इसमें दोस्तों अंदर ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब, ये इस ट्यूब में एक्सल होते हैं दोनों तरफ, तो ये एक्सेल इन बिलों को चलाते हैं। जैसे आप जब भी व्हील सर्विस होते हैं तो सब देखते हैं, तो इसमें एक्सेल होता है, तो एक्सेल इन बिलों को घुमा देते हैं दोस्तों।
और ये पीछे के बूस्टर होते हैं दोस्तों, इन्हीं के द्वारा ब्रेक लगाए जाते हैं। जब इसमें प्रेशर आता है तो ये प्रेशर आने के बाद ये बूस्टर इन रेजिट को चलाते हैं दोस्तों। ये आप रेजिट देख रहे हैं तो इन रेजिट को चलाते हैं ये इस प्रकार से। ये देखिए इन रेजिटों को ये बूस्टर चलाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये व्हील काम करते हैं। ये रोड लगी होती है, ये रोड अंदर लाइनरों को चलाती है। लाइनर जब ऊपर नीचे होते हैं इसके द्वारा जब ये काम करता है तो ये रेजिट अप डाउन होता है, तो ये राड अंदर से ऐसे घूमती है दोस्तों। तो लाइनर ऊपर नीचे होते हैं और इस प्रकार से ब्रेक लग जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से देखो दोस्तों पूरी गाड़ी ऐसे खुले में ऐसे नज़र आती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से सभी चीज़ें इसमें फिट होती है। और ये इसका क्रोन व्हील है दोस्तों, ठीक है। तो आप भी इसको देखकर सभी पार्ट्स देख सकते हैं कौन सा सामान कहाँ लगा होता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और कभी भविष्य में काम आ सकती है। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।